ये देखिए बेटू आई है मेला देखकर। लाओ तो ये लेकर आई है। और ये देखिए इनाया के लिए गुब्बारा लेकर आई है। अच्छा ये नहीं चाहिए, उसके लिए बड़ा खिलौना लाते। उसको नहीं अच्छा लग रहा। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है, तो नीचे जो है काफ़ी मतलब आवाज़ हो रही थी। मम्मी जी जो है बात कर रही थी फ़ोन पे किसी से, तो इस टाइम जो है आलिया और इनाया जो है सो रही थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं ब्लॉग बना लेती हूँ, लेकिन मम्मी जी बात कर रही थी और भी चीज़ों की आवाज़ हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो ऊपर जाकर ही बात कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे जो है अगर ब्लॉग में आप बात करते टाइम आवाज़ आती है तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं ऐसे टाइम पर ब्लॉग बनाने की सोचती हूँ कि जिस टाइम पर शांति हो, या फिर ऐसा कमरा ढूंढती हूँ। तो इसीलिए जो है मैं आज इस कमरे में आई हूँ, और इस कमरे में काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ। जैसे कि मतलब एक महीना तो हो गया होगा, क्योंकि इससे पहले डिलीवरी से पहले ही इस कमरे में ब्लॉग बनाती थी, और अब मैं काफ़ी टाइम बाद इस कमरे में ब्लॉग बना रही हूँ। तो जैसे कि आपने आगे देखा था कि आलिया मेले गई थी कल, तो वहीं से आई थी और इनाया गुब्बारा पकड़े हुए थी। तो वो जो है कल का था, तो कल जो है मैं ब्लॉग बनाने की सोच रही थी, लेकिन कल जो है पूरा नहीं कर पाई थी, मुझे उतना ही सूट कर पाई जब आलिया मेले से आई थी, तो इसलिए मैंने उसको वहीं छोड़ दिया था। क्योंकि उस टाइम पे आलिया ज़्यादा जिद करने लगी थी और परेशान कर रही थी, इनाया भी रो रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो अब छोड़ो, क्योंकि वो रात का टाइम था, रात में ही मेले गए थे। और यहाँ पर जो है साल में 2 बार मेला लगता है, एक जो है अभी सितंबर में लगता है और फिर एक लगता है मार्च के आसपास। तो अभी ये मेला अच्छा लगता है ये वाला, और वो सरकारी मेला लगता है। जो मम्मी जी जो है शॉपिंग करके लाई थी वो वहीं से लाई थी उस दिन, जो मैंने कल वाले ब्लॉग में आप लोगों से शेयर की है। तो इसीलिए बेटू जिद कर रही थी कि मुझे मतलब उसको तो रोज़ ही जाना है मेले में। तो कल जो है उसके पापा और उसके चाचू उसको मेले ले गए थे, तो वहीं से आए थे। तो मैं सोच रही थी चलो ब्लॉग शुरू कर देती हूँ, लेकिन मैं उतना ही शूट कर पाई। और ये लोग तो गई थी मेला लेकिन मुझे भी मेला जाना बहुत ही अच्छा लगता है, तो मेरा भी बड़ा मन था कि मैं मेला जाऊँ। क्योंकि मैं जो मार्च वाला मेला आया था उसमें भी मैं नहीं जा पाई थी, उस टाइम पेपर भी पता नहीं क्या था, तो उसमें भी मैं नहीं जा पाई थी, और इस वाले मेले में भी नहीं जा पाई। लेकिन जो आगे लगेगा वो उसमें मैं ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि मुझे मेले में जो है झूला बहुत ही पसंद है, और अक्सर ज़्यादातर लड़कियों को लड़कों को सभी को झूला झूलना बहुत ही पसंद होता है, और मेले में ही जो है झूलने को मिलता है, क्योंकि उसी में जो है बड़े झूले आते हैं। तो इसीलिए तो फिर मैंने बोला, क्योंकि अभी जो है 1.25 महीना नहीं हुआ है, तो इसलिए बाहर भी नहीं जा सकते हैं, और फिर मेरे तो ऑपरेशन है, तो अभी मैं जो है गाड़ी वगैरह पे भी सफ़र करने से डरती हूँ, क्योंकि दचके बहुत होते हैं सड़क पर, तो इसलिए अभी मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि कुछ टाइम बाद जाऊँगी, तो इसीलिए मैं मेला भी नहीं जा पाई हूँ। तो कुछ व्यूअर्स बोल रहे थे कि आपके यहाँ ताजिए निकलते हैं क्या, तो हाँ ताजिए निकलते हैं यहाँ पर। ताजिए तो वैसे मेरे हिसाब से शायद हर शहर में ही निकलते हैं, क्योंकि मेरे मायके में भी निकलते हैं और यहाँ भी निकलते हैं। और सीपरी के तो चेलम के ताजिए भी बहुत मशहूर हैं, जो यहाँ पर जो है चेलम के ताजिए देखने हर कोई मतलब दूर दूर से लोग आते हैं, हर शहर से लोग देखने आते हैं, क्योंकि यहाँ के ताजिए बहुत ही फेमस हैं। तो यहाँ जो है चेलम में भी ताजिए निकलते हैं, और इस टाइम पर भी मुहर्रम में भी ताजिए निकलते हैं। तो लगता है मम्मी जी आवाज़ दे रही हैं, शायद इनाया जो है जाग गई है, तो मैं उसको लाती हूँ और उसको सुला देती हूँ पहले, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। जा रही उठ के, उठना है ऐसे, खेलू खेलू करने जाना है।
तो इनाया को जो है मैंने सुला दिया है दोबारा, क्योंकि वो जो जब बाथरूम वगैरह कुछ कर लेती है तो जब तक उसका चेंज ना कर दो जब तक वो रोती ही रहती है और बहुत तेज आवाज में रोती है। तो बच्चों का यही है, अगर थोड़ा सा भी गीला हो जाता है तो फौरन रोने चालू हो जाते हैं। तो बस उसको मैं अभी सुला कर आई हूँ। और आज मैं एक रेसिपी शेयर करूंगी गुलाब जामुन की, जो मैंने बहुत ही इजी तरीके से बनाए हैं। और ये रेसिपी मैंने डिलीवरी से पहले बनाई थी तो वो मैंने सूट करके रख ली थी, तो इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि आप लोग जब इतने मीठे मीठे कमेंट करते तो उसके लिए आज कुछ मीठा ही शेयर किया जाए। और ये गुलाब जामुन जो है मैं अक्सर अपने घर में बनाती रहती हूँ, क्योंकि हम सभी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है और सभी लोगों को गुलाब जामुन पसंद होते हैं, और शायद आप लोगों को भी गुलाब जामुन पसंद ही होंगे। तो इसलिए आप जरूर देखना, मैं इस रेसिपी को वीडियो के एंड में डालूंगी, तो आप उसको जरूर देखना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अभी कमेंट में जिन व्यूअर्स के नाम लेने को बोल रहे थे तो मैं उन व्यूअर्स के नाम ले देती हूँ, और जिनको बर्थडे विश करना है उनको भी बर्थडे विश कर देती हूँ। तो सबसे पहले दो लोगों का बर्थडे विश करना है तो मैं बोल ले देती हूँ पहले से। आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे मिसेज मलिक, आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सुजाता सिंह। तो ये थे बर्थडे विश करने के लिए। और अब जिनके नाम लेना है मैं उनके नाम ले देती हूँ। तो सबसे पहले फातिमा हाफिज जी, अफसीन हाफ फहीम, मोहम्मद जैन, फेज मिरकर, उज्मा खान, समरीन बानो, अंजुम अकरम खान, आरजू महक, असलम शेख, शबनम पठान, साहिबा किरण अहमद, पठान यसर, पठान रोहन, पठान रिजवान। तो ये थे आज के व्यूअर्स के नाम जिनको मुझे लेना थे। आइए हम देखते हैं हमें क्या चाहिए। ये हमने आधा किलो मावा लिया है, 1 बाउल मैदा, आधा कप सूजी, किशमिश और चिरौंजी ली है गुलाब जामुन के अंदर स्टफिंग के लिए, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, आधा किलो चीनी चाहिए चाशनी बनाने के लिए। आइए पहले हम चाशनी बनाते हैं। ये हमने एक पतीली ली है, इसमें हम चीनी डाल देंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे। जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हम पानी डालेंगे। गैस ऑन करके हम इसको चला देंगे और हमें इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। इस तरीके से हमें चला देना है। अब हम इसका डो बनाते हैं गुलाब जामुन के लिए। ये हम मावा लेंगे और इसमें हम मैदा डालेंगे। तीन चम्मच हमने मैदा डाला है, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और मैदा डाल लेंगे इसमें। और 2 चम्मच हमने सूजी डाली है। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका हमें सॉफ्ट डो बनाना है। आप चाहे तो इसे एक थाली में लेके आटे की तरह गूंद सकते हैं। ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया। इसमें हमने 1 चम्मच मैदा और डाल लिया था। ये देखिए हमारा आधा मैदा बचा है और आधा हमने सूजी बचा ली है। ये हमने स्टफिंग के लिए चिरौंजी और किशमिश ली है और इसमें हम 2 टीस्पून चीनी डाल रहे हैं। हम इसका थोड़ा थोड़ा डो लेंगे और इससे हम पेड़े बनाएंगे। पहले हम इस तरीके से इसको मलकर फ्लैट करेंगे और इसमें हम थोड़ी सी चीनी और किशमिश चिरौंजी रखेंगे।
तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। और दबाकर अच्छे से एक चिकनी बॉल बना लेंगे हम। इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फट जाएगा, इसलिए इसको चिकना होना चाहिए। ये देखिए हमारी एक गुलाब जामुन बनकर तैयार है। ये देखिए इस तरीके से चिकना बनना चाहिए। ऐसे ही हम सारे गुलाब जामुन बना लेंगे। ये देखिए हमने गुलाब जामुन बना लिए हैं और ये हमने ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया था। इसको हम चेक करेंगे, थोड़ा सा हम डो लेकर इस तरीके से डाल देंगे उसकी बॉल बनाकर। अगर वो नीचे से ऊपर आ जाता है तो आपका ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। इसको हम बाहर निकाल देंगे और हम इसमें गुलाब जामुन डाल देंगे। गैस हम स्लो रखेंगे। ये हमने सारे गुलाब जामुन डाल दिए हैं। अब हम इसको चलाते हुए आहिस्ता से अच्छे से काले रंग के इनको तल लेना है, इनको चलाते रहना है। ये देखिए हमारे गुलाब जामुन कितने अच्छे तरीके से तल गए हैं, अच्छा सा काला रंग आ गया है इन पर। अब हम इनको प्लेट पर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे गुलाब जामुन कितने अच्छे तरीके से फ्राई हुए हैं। ये हम सारे गुलाब जामुन प्लेट में निकाल लिए हैं। अब हम इनको चाशनी में डाल देंगे। ये देखिए हमने चाशनी बना ली थी, इसमें हमने कलर डाला है चाशनी में। और हम इनको गुलाब जामुनों को आधे घंटे के लिए चाशनी में डुबो के रख दिए। ये हमारे सारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। ये बहुत टेस्टी बने हैं। ये देखिए कितने स्पंजी गुलाब जामुन बने हैं। मैं इसको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से टूट जाता है ये, क्योंकि ये अंदर तक मुलायम बना है और चाशनी भी अंदर तक इसने पी ली है। आप इनको चाशनी में डुबोकर आधे घंटे के लिए रख दें। ये बहुत टेस्टी बने हैं और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो इसी के साथ आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पूरा करती हूँ। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का बटन क्लिक ज़रूर करें, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके ब्लॉग डालने के तुरंत बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। खुदा हाफिज़।